गाइस वेलकम टू दिस व्लॉग। आज हम लोग डिफेंस एक्सपो की साइट पे आए हैं जहाँ पे कि मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, फिफ्थ मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। पूरा डेमो दिखाएंगे यहाँ पे, कैसे मेन इवेंट फिफ्थ को होगा तो उसकी पूरी रिहर्सल हो। मैं आपको एक लुक देता हूँ, अभी आपको देखना कि पूरा एरिया एक वॉर जोन जैसा बनाया गया है जहाँ पे कि दिखाया जाएगा कि मिलिट्री के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स और प्लेन, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट भी आएगा, वो सब कैसे जब कोई एनिमी किसी एरिया को पे कब्जा कर लेता है तो कैसे हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स उस एरिया को वापस कब्जा करती है उस एरिया पे, पूरा दिखाया जाएगा। पूरी एक स्किट के फॉर्म में प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, तो आप देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आप पूरा वीडियो देखना तब आपको समझ में आएगा पूरी स्किट। सो अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं स्टैंड में, वहाँ पर हम लोग बैठेंगे और फिर वहाँ से कवर करेंगे। सो वी हैव अराइव्ड एट दिस प्लेस और अभी बस थोड़ी देर में शो स्टार्ट होने वाला है। तो एक स्टैंड बनाया गया है यहाँ पे, सब लोग बैठेंगे, पवेलियन टाइप का है। दिस इज़ अ प्लेस, आगे की सीटिंग अरेंजमेंट सब वीआईपी के लिए है। जंगी हालात, हिंदुस्तान के आक्रामक दस्ते को दुश्मन के इलावन पर कब्जा करने का हुक्म मिला है। इस दस्ते में इन्फेंट्री, आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस और कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स शामिल हैं। एडवांस कोर आर्टिलरी गन सिस्टम और 155 मिलीमीटर बोफोर्स गन डिप्लॉय हो रही है। आर्टिलरी कमांडर ने दुश्मन पर फायर करने का हुक्म दे दिया है। हफ्ते के दौरान भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस में ये काबिलियत है कि दुश्मन के इलाके में वर्टिकल इंसर्शन से काफी होकर उस पर सरप्राइज अटैक कर सके। स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी चीता हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में स्ट्राइक कर रही है। जाबाज कमांडोज की खतरे से बात फाइटर्स ये कहते हैं हेलीकॉप्टर से अपने टारगेट पर लो ओवर टेक्निक द्वारा उतर अंदर से अगले दस्तों को और क्लियर सिग्नल दे दिया है। इस दौरान आर्टिलरी द्वारा दुश्मन पर लगातार गोलाबारी चल रही है। स्पेशल फोर्सेस दुश्मन के एरिया में आ रहे हैं।
कर लिया है अपनी कामयाबी का। दर्शकों को और मजबूती देने के लिए manufactured by Indian. Colour in the sky, triangular formation.